हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएनएस क्लासेस। मैं हूं सरीद गुप्ता और आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और 10 का जो न्यू सिलेबस जो है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए आया हूं। देखो, इतने साल बाद आईसीएसई का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो बदला गया है। पैटर्न सेम रह रहा है, 80 मार्क्स का एग्जाम, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट, वो सब तो रह रहा है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी शायद सेम रहेगा, बाद में चेंज हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। बट द सिलेबस डेफिनेटली नीडेड टू बी चेंज, उसको बहुत ज्यादा ही जरूरी था बदलने के लिए, ठीक है। एंड फाइनली काउंसिल इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्रामा में क्या है। ड्रामा में हम लोगों का है जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग ड्रामा, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन के लिए आप लोगों को पहले जूलियस सीजर का मूवी दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मूवी दिखाने के वजह से आप लोगों के क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में एक पावर पैक इंपैक्ट आ जाएगा कि हाँ पूरा ड्रामा में ये हुआ है। उसके बाद जाके मैं क्या करूंगा, उसके बाद जाके मैं इंट्रोडक्शन टू जूलियस सीजर दूंगा, उसका समरी बोलूंगा, स्टोरीज को कुछ कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने शायद ड्रामा कभी पढ़ा नहीं। यू मे नॉट हैव रेड अ प्रॉपर ड्रामा एवर, ठीक है। आप लोग शायद Tales from Shakespeare पढ़े हो, but that is not the proper drama. That is like an abbreviated version, a summary, right? मैं आप लोगों को ड्रामा का क्या एलिमेंट्स होता है, नहीं होता है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। Fun fact, ये जो जूलियस सीजर जो है, ये जो ड्रामा जो है by William Shakespeare, ये मैंने खुद क्लास 9-10 में जो पढ़ा था वही है, ठीक है। इतने साल बाद जाके इसको reintroduce किया गया, and I'm super excited because मेरे पास जो नोट्स है, मेरे पास जो बुक्स है, ऑफ कोर्स इट वाज वन ऑफ द बेस्ट, उसके वजह से मुझे 90% मिला था, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ वो सेम रिसोर्सेस शेयर करूंगा, उससे भी और बेटर मेरा खुद का लिखा हुआ रिसोर्सेस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टोरीज एंड पोएम्स का बुक में आ जाते हैं। इसे इस बार नाम दिया गया है ट्रेजर चेस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। उसमें सबसे पहले देखिए शॉर्ट स्टोरीज में सत्यजीत राय का बोंगू बाबूज फ्रेंड, इट्स अ वेरी ह्यूमरस स्टोरी, ठीक है। सत्यजीत राय इंडियन फिल्म डायरेक्टर था, कलकत्ता का ही बेस्ड है, वेस्ट बंगाल का ही, ठीक है। सो वी नो दैट ही हैज इवन गॉट एन ऑस्कर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मूवी वर्ल्ड, टू द सिनेमैटिक वर्ल्ड, ठीक है। तो इट इज एक्सीलेंट कि हम लोग सत्यजीत राय का स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड है चार्ल्स डिकेंस, अनदर क्लासिक, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस का ऑलिवर आस्क्स फॉर मोर, एक्चुअली ऑलिवर ट्विस्ट का जो कहानी है उसका एक छोटा सा एक्सेप्ट आप लोगों को दिया जाएगा, जहां पे ऑलिवर ट्विस्ट आके थोड़ा सा ज्यादा खाना मांगता है, ठीक है, और उसके साथ क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। कुछ कुछ स्कूल्स में ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है, जूनियर क्लासेस में आप शायद पढ़े होंगे। नेक्स्ट है ऑस्कर वाइल्ड का द मॉडल मिलियनेयर, अमेजिंग 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 स्टोरी। ये सब एक्चुअली मैं जब क्लास आईसीएससी में था, आईएससी में था, तब ये सब चैप्टर्स मेरे को पढ़ाया गया था, एंड लेट मी टेल यू आई हैड अ ग्रेट टाइम, ठीक है। मुझे जिस तरीके से पढ़ाया गया, मैं आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। देन कम्स रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर, द नोबेल लॉरिएट, ठीक है। उसका होमकमिंग, ठीक है, वेरी इमोशनली चार्ज्ड, वेरी एक्सीलेंट एक्सीलेंट स्टोरी, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जब पढ़ेंगे ना हम लोग तब जाके आप लोगों को एहसास होगा। एंड ऑब्वियसली रस्किन बॉन्ड का द बॉय हु ब्रोक द बैग, ठीक है। या ये बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी, एक छोटा सा अफवाह के वजह से कैसे करके एक पूरा बैंक जैसा एक फाइनेंशियल, बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूरा खत्म हो जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, द बॉय हु ब्रोक द बैग। इसके बाद है हम लोगों का द नाइट मेल पोएम में बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन, ठीक है। ये बहुत ही स्कूल्स में सेंट जॉन्स में जैसे पढ़ाया गया है, ये मैं खुद जानता हूँ, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, ठीक है, इंटरेस्टिंग मे बी मे नॉट बी, बट या मैंने मुझे अच्छा लगा, डिस्क्रिप्टिव पोएम मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उतना भी कुछ खास इंटरेस्टिंग शायद आप लोगों को नहीं लगे, ठीक है। बट या आई फाउंड इट एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। जिस तरीके से उसको पोएट ने डिस्क्राइब किया गया है, एक ट्रेन कैसे करके दूर दूर तक ट्रैवल करके सबका मेल उन लोगों के पास पहुंचाता है। नेक्स्ट इज टी एस एलियट बाय T.S. Eliot का लिखा हुआ Skimbleshanks the Railway Cat. T.S. Eliot was always fascinated by cats. ठीक है, Macavity, the Mystery Cat, CBSC में पढ़ाया गया था। इस बार दिया गया है ICSC में Skimbleshanks the Railway Cat. कैसे करके एक बिल्ली जो है, again it's a cat, right? Skimbleshanks उसका नाम है, कैसे करके वो
रेलवे कैरेजेस में घूमता है, स्टेशन में घूमता है, एंड ही चेजेस द माउस अवे, द माइस अवे. ठीक है, नेक्स्ट है थॉमस हुड का आई रिमेंबर, ये भी बहुत ही एक अच्छा पोएम है. विक्रम सेथ अनदर, देखो इस साल ना बहुत सारे इंडियन ऑथर्स, ठीक है, ये सब दिया गया है. ठीक है, टीएस एलियट, ये सब तो वेस्टर्न ऑथर्स है, हम लोग तो जानते हैं डब्ल्यू एच ऑर्टन, ठीक है, लेकिन इंडियन ऑथर्स भी बहुत सारे हैं. विक्रम सेथ भी एक बहुत अच्छा ऑथर है. ठीक है, द डॉक्टर्स जर्नल एंट्री ऑफ ऑगस्ट 6, 1945. ठीक है, ये एक्चुअली एक वॉर पोएम, एंटी वॉर पोएम के तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, वो बोलता है कि कैसे करके एक डॉक्टर, ही हैज एक्सपीरियंस्ड डेवास्टेटिंग अटैक बाय एनिमी. ठीक है, उसके सामने बॉम्ब्स ड्रॉप किया गया, उसके वजह से क्या हुआ है नहीं हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. एंड अ वर्क ऑफ आर्टिफिस बाय मार्ज पियर्सी. ठीक है, ये भी एक अच्छा पोएम है. हालांकि ये वाला पोएम मेरा उतना, आई एम नॉट वेल लेट्स से रेड अबाउट दिस पोएम. ठीक है, ये पोएम मैं पहली बार पढ़ूंगा, आप लोगों के साथ पढ़ूंगा, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, सो कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, बाकी सारा का सारा मेरा पढ़ा हुआ है. ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्लास 10 के सिलेबस में. क्लास 10 के 9 के सिलेबस में जूलियस सीजर का हाफ रह रहा है, एक्ट 1 एंड एक्ट 2. 10 के सिलेबस में हम लोग का रह रहा है एक्ट 3, 4 एंड 5. ठीक है, क्लास 10 का सिलेबस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. स्टोरीज में रह रहा है विद द फोटोग्राफर बाय स्टीफन लीकॉक, द एलिवेटर बाय विलियम स्लीटर, द गर्ल हु कैन अमा आटा एडो, द पेडेस्ट्रियन बाय रे ब्रैडबरी एंड द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट. देखो बहुत लग रहा है ना कि बहुत सारा सिलेबस जो सीबीएसई में पढ़ाया गया वो अभी आस्ते आस्ते करे आईसीएसई में ओवरफ्लो कर रहा है. ठीक है, इसके बाद पोएट्री में एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो का हॉन्टेड हाउसेस. एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो का मतलब बहुत सारे ऐसे पोएम्स है जो थोड़ा सा सुपर नेचुरल, मिस्टीरियस, थोड़ा सा डरावना टाइप का पोएम्स रहता है. ठीक है, फिर ले हंट का द ग्लव एंड द लायंस, फिर वेन ग्रेट ट्रीज फॉल माया एंजेलो, अगेन माया एंजेलो का पोएम दिया गया है, बहुत ही अच्छा है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बिना तो इंग्लिश का सिलेबस तो होता ही नहीं है. ठीक है, अ कंसिडरेबल स्पेक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पावर ऑफ म्यूजिक बाय सुकुमार रे. ठीक है, सो यू सी मेनी इंडियन ऑथर्स, बहुत अच्छा अच्छा तगड़ा तगड़ा, ले हंट, डब्ल्यू एच, एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो, माया एंजेलो, अच्छा अच्छा स्टोरीज एंड पोएम्स आप लोगों को मिलेगा. आप लोगों का पूरा सिलेबस बदल जा रहा है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं एसएनएस क्लासेस में. ठीक है, मैं यहां पे आप लोगों को फुल सिलेबस विद रिवीजन, विद टेस्ट, विद नोट्स, विद वीडियो बैकअप, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा. और मेरे जैसा ग्रामर तो कोई नहीं करा सकता, वो तो मैं गारंटी ले ही लेता हूं. ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा, आप लोगों को बुक्स मिल जाएगा. आप लोग बहुत जल्दी ही आप कॉल कीजिए क्लासेस के लिए. मेरा नंबर है 8697812327. ठीक है, मेरा क्लासेस बागुयाटी में होता है, बागुयाटी वीआईपी रोड में. एंड इसके अलावा मेरा और एक जगह भी एक ट्यूशन है, आप लोग शायद सुने ही होंगे. ठीक है, मैं लेकटाउन में भी अवेलेबल हूँ, बांगुड़ में भी अवेलेबल हूँ, बागुयाटी में भी अवेलेबल हूँ फॉर क्लासेस. ठीक है, तो देर मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सकता है आप कॉल करके क्लासेस बुक कीजिए. ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.